हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे सिंगल फेस एंड डबल फेस 5 kV ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर ट्रांसफॉर्मर कोइल वाइंडिंग डेटा के बारे में। इसका जो इनपुट वोल्टेज रहेगा ये 90 से लेकर 440 वोल्ट इनपुट वोल्टेज पर काम करता रहेगा और आउटपुट जो बाहर निकलेगा वो 200 से लेकर 250 के बीच में ये आउटपुट बाहर देता रहेगा। और इस ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग जो की जाएगी वो हम एल्युमिनियम के वायर से भी कर सकते हैं और कॉपर वायर से भी कर सकते हैं। एल्युमिनियम के वायर जो है वो बेहतर क्वालिटी का होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें। इस ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग करने के लिए जो इस ट्रांसफॉर्मर में जो बोबिन हमें बोबिन की ज़रूरत पड़ेगी वो होगी, बोबिन जो रहेगी वो 5 इंच की बोबिन रहेगी। बोबिन का जो साइज रहेगा 5 इंच और कोर जो इसका रहेगा, कोर का जो नंबर रहेगा वो 8 नंबर की कोर इस ट्रांसफॉर्मर में डाली जाएगी। इस ट्रांसफॉर्मर की जो वाइंडिंग की जाएगी 2 तरह के वायर से की जाएगी, एक 12 नंबर के SWG वायर से और एक 13 नंबर के SWG वायर से। स्टार्ट जो करेंगे हम वाइंडिंग करना वो 0 से करेंगे और 12 नंबर के SWG से स्टार्ट करेंगे और 0 से लेकर 97 टर्न हम देंगे और लूप नंबर 1 बाहर निकाली जाएगी। लूप नंबर 1 से जो हम टर्न देंगे वो 140 टर्न देंगे और लूप नंबर 2 बाहर निकलेगी। लूप नंबर 2 से हम 168 टर्न देंगे और लूप नंबर 3 बाहर निकलेगी। 0 से लेकर लूप नंबर 3 तक हम 12 नंबर SWG के वायर का इस्तेमाल करेंगे और लूप नंबर 3 से लेकर 4 और 5 में जो हम 13 नंबर के SWG वायर का इस्तेमाल करेंगे। लूप नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे हम 13 नंबर का SWG वायर सीरीज में यहाँ पर जोड़ेंगे और लूप नंबर 3 से जो टर्न देंगे हम 203 टर्न देंगे और लूप नंबर 4 बाहर निकाली जाएगी। लूप नंबर 4 से हम जो फाइनल और आखिरी लूप निकाली जाएगी 5 नंबर की, वो टर्न देंगे 4 नंबर से 293 टर्न देंगे और फाइनल लूप जो 5 नंबर की वो बाहर निकाली जाएगी। तो 3 नंबर से स्टार्ट करेंगे हम, जो 3 नंबर से रहेगी वो 13 नंबर का SWG वायर रहेगा। 3 नंबर से लूप नंबर 3 से 4 नंबर और 5 नंबर तक 13 नंबर का SWG वायर रहेगा। इसमें एक हम छोटी वाइंडिंग करेंगे जो 16 टर्न की यानी जो 22 वोल्ट की रहेगी, 0 से 22 वोल्ट, जिसको हम स्टार्ट करेंगे 16 टर्न देंगे और 22 वोल्ट की वाइंडिंग हो जाएगी। और इस वाइंडिंग करने के लिए हम 25 नंबर के SWG वायर का इस्तेमाल भी कर सकते हो, 24 नंबर के SWG वायर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इस ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग कर सकते हैं।